नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस पास, जिस पे हम लाते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरें कौन सी थी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल सके। दोस्तों, आज की पहली खबर नौसेना को लेकर है। आज ही के दिन मुंबई के मझगांव डॉक शिपयार्ड पर गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर इम्फाल को एडमिरल सुनील लांबा की उपस्थिति में लॉन्च किया गया। यह डेस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट 15B के तहत लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत भारत गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर की फ्लीट बनाने में लगा हुआ है। इस सीरीज़ का तीसरा डेस्ट्रॉयर है। इस सीरीज़ के सभी डेस्ट्रॉयर को विशाखापट्टनम सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट के तहत 4 डेस्ट्रॉयर का निर्माण भारत को करना है। इसके पहले INS विशाखापट्टनम व INS मोर मुगाओ भारत पहले ही लॉन्च कर चुका है। दोस्तों, ये डेस्ट्रॉयर 7,300 टन डिप्लेसमेंट की क्षमता से युक्त है। साथ ही ये 30 नोटिकल माइल्स की स्पीड को छू सकता है। साथ ही कई प्रकार की मिसाइलों वो तोपों से लेस ये डेस्ट्रॉयर 2 मल्टीपर्पज़ हेलीकॉप्टर भी कैरी करने की काबिलियत रखता है। दोस्तों, हमारी अगली खबर भी भारतीय नौसेना से ही है। गौरतलब हो तो भारतीय नेवी में उपस्थित एंटी सबमरीन मिसाइलों से लेस हेलीकॉप्टर सी किंग काफ़ी पुराने हो चुके हैं और इनका रखरखाव भारतीय नेवी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। भारतीय नौसेना इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर अमेरिका के MS-16R सी हॉक हेलीकॉप्टर खरीदना चाहती है, जिसे अब अमेरिकी संसद से मंजूरी मिल गई है। इसके तहत 24 हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना खरीद सकती है, जिसकी अनुमानित लागत $2.6 बिलियन होगी। दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर सबमरीन का पता लगाने व उन्हें नष्ट करने के साथ सर्च ऑपरेशन करने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, एक तरफ जहां पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं भारतीय फॉरेन रिजर्व में इस सप्ताह भी $1 बिलियन की बढ़ोतरी के साथ ये $414 बिलियन पर पहुंच गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के अनुसार पिछले सप्ताह भी फॉरेन रिजर्व में $1 बिलियन की बढ़ोतरी हुई थी और इस सप्ताह भी $1 बिलियन की बढ़ोतरी विदेशी कंपनीज का भारत में बढ़ता हुआ रुझान को जग जाहिर करती है, जो किसी भी देश की तरक्की के लिए महत्वपूर्ण होता है।